वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल सोनो जमुई। समंजस सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार सभी छात्रों को। आज मैं आप लोगों के बीच लाइव क्लास जो लेकर के आया हूँ वो प्रोग्रेशन का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का 5.2 एक्सरसाइज 19 का दो नंबर बताने जा रहा हूँ केसी शिंदा मैथ से। तो आप लोग सभी लाइव क्लास से जुड़े, सारे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास से जुड़े। आज मैं आप लोगों को ये 19 का दो नंबर से बताने जा रहा हूं। तो चलिए सारे स्टूडेंट देखिए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन क्या, 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 है अधिक है, कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। माना कि एनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। मान लिए 132 अधिक है, मान लिए, ठीक ना। अब सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कौन सा पद माने एनवा पद। तो इसलिए टी एन बराबर जो होगा 54वां पद, यानी टी 54 प्लस 132। इसका मतलब क्या करा, इसका एनवा पद 54वें पद से 132, इसका 54वां पद और जोड़ 132 करेंगे तब एनवा पद बराबर होगा। तो अब इसमें देखिए ए बराबर क्या है, ए बराबर है 3। अब डी बराबर क्या होता है, देखिए डी बराबर होता है टी टू माइनस टी वन। तो देखिए टी टू दूसरा पद क्या है 15 और टी वन का मान कितना है 3। तो देखिए 15 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 12, तो D का वैल्यू क्या हो गया 12, अर्थात D का वैल्यू 12 हो गया। अब चलिए अब यहाँ पे अगेन देखिए Tn बराबर क्या है, Tn बराबर T54 प्लस 132। अब देखिए Tn का जो सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है कि नहीं, बराबर T54, तो A प्लस 54 माइनस 1 इंटू D प्लस क्या हो गया 132। अब देखिए ए तो दोनों के लिए समान होगा क्योंकि तो वही श्रेणी है, तो ये ए और ये ए कट गया, यानी ए के स्थान पे यहां भी 3 ही रखा था और यहां भी 3 ही रखा था, तो 3 और 3 तो कट ही जाएगा। अब यहां पे देखा जाए एन माइनस वन इंटू डी, तो डी का मान कितना है, देखिए 12, डी का मान है 12 बराबर क्या है 54 में से 1 घटेगा, 54 में से 1 यदि माइनस होगा तो क्या बचेगा 53, तो 53 इंटू डी, तो डी का मान कितना है, देखिए 12 अब प्लस क्या हो गया 132। अब यहां देखा जाए 12 गुना n माइनस 12 गुना 1 12 बराबर 53 को 12 से गुना करेंगे 12 3 36 12 5 60 63 देखिए 12 3 36 12 5 60 63 प्लस कितना हो गया 132। अब देखा जाए 12 n माइनस क्या है 12 बराबर, अब इस दोनों को जोड़िए 6 और 2 क्या हो गया 8, देखिए 3 और 3 क्या हो गया 6, अब देखिए 6 और 1 कितना हो गया 7 768। तो 12 n बराबर ये माइनस 12 है उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा 768 प्लस क्या हो जाएगा 12, ये माइनस उस पक्ष की ओर चला जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। तो 12 n बराबर 768 का प्लस 12 कितना हो गया 780, क्योंकि 8 और 2 10 अब 6 1 7 7 1 8 780, इसलिए n बराबर 780 बटे कितना हो गया 12, तो बचक 72 बच गया कितना 6 बच गए 12 5 60 अर्थात n बराबर क्या हो गया 65, n बराबर क्या हो गया 65, अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। क्या समझ में आया आप लोगों को, सारे स्टूडेंट बताएं समझ में आया ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 20 ये 19 का दो बताया था, अब इसी प्रकार का सारा सवाल है। अब देखिए आगे यानी 23 नंबर का बता रहा हूं, 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, एपी का एम प्लस वनवा पद
पद एन प्लस वनवा पद का दो गुना है दिखाए कि दिखाए कि 3n प्लस 1 पद n प्लस n प्लस 1 पद का दो गुना है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए तो आपको जरा सा करें, किसी एपी का एम प्लस वन पद एन प्लस वन पद का दो गुना है, तो दिखाएं कि 3n प्लस 1 पद m+n+1 पद का भी दो गुना होगा। तो चलिए सारे स्टूडेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, कह रहा है क्या, किसी एपी का एम प्लस वन पद एन प्लस वन पद का दो गुना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं भाई, माना कि एपी का प्रथम पद फर्स्ट टर्म ए तथा सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस सार अंतर डी है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, टी एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पहले हम सबका देखिए, अब यहां पर एन प्लस वन पर ये हुआ एनवा पर का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जब रहेगा टी एन प्लस वन। ध्यान दीजिएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस एन के जगह पर देखिए एन रहता है, यहाँ एन होता है, एन के जगह पर क्या एन प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी होगा, क्योंकि यहाँ एन रहता है एन माइनस वन इंटू डी, जब यहाँ एन प्लस वन पर है एन प्लस वन जहां पर होगा तो ए प्लस एन के जगह पर एन प्लस वन माइनस वन होगा इंटू डी। अब देखिए ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो ए प्लस क्या हो गया एम डी, यानी कि एम प्लस एन का मान क्या हो गया ए प्लस एन गुना डी हो गया ये। अब चलिए पुनः पहले निकाल लेता हूं, अब देखिए क्या करता है, एन प्लस वन पर भी तो पहले निकाल लीजिए एन प्लस वन पर, तो एन प्लस वन पर तो टी एन प्लस वन होगा, तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी एन प्लस वन क्या हो जाएगा ए प्लस एन के जगह पर क्या है एन प्लस वन, तो एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो क्या हो गया ए प्लस एन डी। तो अब टी एन प्लस वन का जो मान हो गया, टी एन प्लस वन का मान जो गया ए प्लस एन डी। अब प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एपी का एम प्लस वन पद, यानी ये जो हुआ प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी एम प्लस वन बराबर, यानी इसका ध्यान दीजिएगा टी एम प्लस वन पद बराबर क्या कहता है एन प्लस वन पद का दो गुना है, इसका मतलब दो गुना किसका है एन प्लस वन पद का, यानी टू एन प्लस वन पद। प्रश्न में कह रहा है एम प्लस वन पद जो है एन प्लस वन पद का दो गुना है, इसका मतलब टी एम प्लस वन बराबर दो गुना टी एन प्लस वन। अब देखिए टी एन प्लस वन को tn plus 1 का मान कितना है a plus md, tn plus 1 का मान क्या है a plus md, तो ये हो गया a plus md हुआ, देखिए दिखाई दे रहा है। अब देखिए बराबर 2 into, अब देखिए tn plus 1 है, तो tn plus 1 का मान क्या है देखिए a plus md, a plus md, तो अब देखिएगा a plus md बराबर 2 गुना a, 2a 2 गुना md plus 2nd। अब देखिए सारे स्टूडेंट कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब देखिए थोड़ी देर ये ए, अब ये इधर आया तो माइनस क्या हो गया 2a, ये देखिए ये प्लस 2 है हम इसको इधर लेते हैं तो माइनस 2a बराबर यहां पर क्या है 2nd माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस nd है उधर चल जाएगा तो माइनस nd हो जाएगा। तो अब यहां पे देखा जाए a में से 2a घटेगा, a में से 2a घटेगा तो माइनस a बचेगा, a में से 2a घटेगा क्या बचेगा माइनस a बराबर क्या हो जाएगा 2nd माइनस md। तो अब देखिएगा माइनस ए है, माइनस ए उधर ले जाएंगे तो ए बराबर हो जाएगा माइनस टू एम डी, अब यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा एम डी, क्योंकि इस माइनस को उधर ले गए इधर प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस होगा, इसलिए ए का जो मान हो गया
एम बी माइनस टू एन डी, ए का जो मान हुआ एम बी माइनस टू एन डी। अब देखिए क्या करता है, तो सिद्ध करें कि 3m प्लस वन वा पद m प्लस n प्लस वन वा पद का भी दुगना होगा। तो इसका मतलब ये पद पहले निकाल लीजिए, तो चलिए टी 3m प्लस वन वा पद 3m प्लस वन निकाल लीजिएगा। तो अब देखिए टी एन बराबर क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो टी 3m प्लस वन बराबर क्या लिख सकते हैं हम बताइए, आप लोग यही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, यानी ए प्लस एन, एन के रूप में क्या है 3m प्लस वन माइनस वन इन टू डी। बताइए कोई दिक्कत है, आप लोग समझिएगा यहाँ जरा सा। देखिए टी थ्री एम प्लस वन है, तो इसलिए ए प्लस एन माइनस वन होता है, एन का मान क्या है 3m प्लस वन, तो 3m प्लस वन कर दिए माइनस वन इन टू डी कर दिए। अब देखिए ये प्लस वन और माइनस वन कैंसिल, तो ए अब देखिए प्लस 3md, अब देखिए ए का मान क्या है, ए का मान क्या है एम डी माइनस क्या है 2nd, अब प्लस क्या है 3nd। ध्यान दीजिएगा ए का मान क्या लिखा है md माइनस 2nd, तो ए के जगह पर लिख दिए md माइनस 2nd अब प्लस 3nd। अब देखिए 3 और 1 यहां पर देखिए 3md और 1md मिलके कितना हो गया 4md अब माइनस क्या हो गया 2nd, क्या हो गया माइनस 2nd हो गया। 3md और 1md मिलके कितना हो गया 4nd अब माइनस क्या है 2nd। अब इसे क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिए तो 2md माइनस क्या हो गया nd। तो ये देखिए आपका क्या हुआ t3m प्लस 1 का मान हो गया t3m प्लस 1 का मान क्या हो गया 2 into 2md माइनस nd। अब देखिए अब हमको इसका मान निकालना है m प्लस 1 वां पद, तो चलिए tm प्लस n प्लस 1 वां पद बराबर जो होगा, आप देखिएगा जब tn होता है तो a प्लस n माइनस 1 into t होता है, तो इसलिए जब यहाँ a के जगह पर क्या है m plus n plus 1, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे a plus m plus n plus 1। अब देखिए क्या होता है a plus n minus 1 into d, यहाँ पर जब n रहता है तो n का मान तो ये टोटल है m plus n plus 1, फिर minus 1 होगा कि नहीं, into क्या हो जाएगा d, into क्या हो जाएगा d। अब देखिए ये minus 1 और plus 1 कैंसिल हो गया, तो अब देखिएगा a plus, अब देखिए m plus n, m plus n into क्या हो गया d। अब देखिए a का मान कितना है, a का मान है md minus 2nd, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा पढ़ने कीजिएगा। अब देखिए tm plus n plus 1 बराबर a, a का मान क्या है देखिए md, उसके बाद क्या minus 2nd plus, देखिए a का मान लिख दिए md minus 2nd, अब देखिए plus m गुना d, md plus n गुना d nd। यहां तक में कोई दिक्कत है आप लोगों को, अब ध्यान दीजिए यहां पे दिखा रहे हैं, दिखाइए। अब देखिए आप लोग ये md plus md क्या हो गया 2md, अब देखिए minus 2nd अब plus nd तो क्या हो गया minus nd। तो अब देखिए ये जो निकल गया कौन सा tm plus n plus 1 बराबर जो निकल गया क्या 2nd minus nd निकल गया। देखिए यानी tm plus n plus 1 का जो मान निकल गया ये देखिए 2md minus nd, क्यों भाई md plus nd 2nd, अब देखिए minus 2nd और plus nd तो minus nd हो गया। तो ये किसका मान निकल गया tm plus n plus 1 बराबर क्या निकला है 2md minus nd। अब देखिए t3m, देखिए t3m plus 1 बराबर जो आया क्या है 2 into 2nd minus क्या है nd। अब देखिए t3m plus 1 का जो मान आया 2 into 2md minus nd, अब देखिए 2md minus nd किसका मान है tm plus n plus 1 बराबर क्या है 2md minus nd। तो अब देखिए हम लिख सकते हैं t3m plus 1 बराबर 2 into, अब यहाँ 2md minus nd है तो 2md minus nd जो है वो किसका मान है tm plus n plus 1 का मान है कि नहीं। तो हमको क्या साबित करना था, साबित करना था कि 3m plus 1 वां पद जो होता है m plus n plus 1 वां पदों का दुगना है। तो देखिए t3m plus 1 बराबर 2 गुना में है कि नहीं tm plus n plus 1, हुआ प्रूव्ड, समझ में आया प्रूव्ड हो गया ना, देखिए 2 गुना में है कि नहीं, इससे समझ में आया आप लोगों को, सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आई आप लोगों को, सारे स्टूडेंट बताएं। चलिए आगे देखिएगा कौन सा क्वेश्चन बताऊं, अब सब तो इजी है। देखिए कह रहा है क्या 24 नंबर,
24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि यदि Tn Tn किसी AP का nवां पद है इस प्रकार nवां पद है इस प्रकार कि T4 by T7 is equal to 2/3 is equal to 2/3 तो कह रहा है क्या T8 by T9 is equal to 1 निकालने के लिए कह रहा है ज्ञात करें यानी ज्ञात करें सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा बहुत इजी सवाल है कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि Tn किसी एपी का nवां पद इस प्रकार है ध्यान दीजिएगा तो प्रश्न से कह रहा है T4 by T7 बराबर 2/3 बराबर क्या कह रहा है T/3 तो सबसे पहले देखिएगा माना कि एपी का प्रथम पद ए माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार अंतर डी है अब देखिए तो T4 आप ये सूत्र तो जानते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो T4 का जो वैल्यू हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बाय T7 का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है 2/3 है तो आप देखिए a प्लस 3d 4 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 3d और देखिए a प्लस 7 में से 1 घटेगा बचेगा क्या 6d बराबर क्या हो गया 2/3 अब कोना कोनी गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 गुना a 3a 3 गुना d 3d 3 3 9 3 गुना 3 कर देंगे 9d हो जाएगा बराबर अब देखिए 2 गुना a 2a 2 गुना 6 क्या हो गया 12 हो गया अब देखिए सारे स्टूडेंट 3a अब ये प्लस 2 है इसको इधर ले जाएंगे तो जो माइनस 2a बराबर 12d अब देखिए ये प्लस 9d है उधर चला जाएगा क्या देखो माइनस 9d अब देखिए 3a में 2a जाएगा क्या बचेगा a बराबर 12 में हो जाएगा क्या बचेगा 3d तो a का मान क्या हो गया 3d अब हमको क्या निकालना है देखिए अब हमको निकालना क्या है भाई T8 by T9 यानी T8 by T9 तो अब देखिए T8 यानी a प्लस 8 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d अब T9 क्या हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी अब देखा जाए तो a प्लस 8 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 7d a प्लस 9 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 9 में से 1 घटेगा तो 8d अब देखिए a का मान क्या है 3d a का मान क्या है 3d a की जगह पर लिख देंगे 3d प्लस क्या हो गया 7d a का मान क्या है 3d 3d अब प्लस क्या हो जाएगा 8d तो अब देखा जाए 7 और 3 कितना हो गया 10d अब देखिए 8 और 3 कितना हो गया 11d अब ये डी और डी कैंसिल हो गया तो देखिए क्या निकाल रहे थे T8 बटे T9 तो T8 बटे T9 बराबर क्या हो गया 10 बटे 11 आंसर समझ में आई आप लोगों को सारे स्टूडेंट बताएं समझ में आई सभी स्टूडेंट बताएं चलिए समझ में आई आप लोगों